हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं लोबिया की सब्जी, जिसमें आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर इसमें आने वाला है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये। तरीका थोड़ा अलग है, जो हम नॉर्थ इंडिया में बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग तरीका होगा, साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। अगर मेरी मम्मी का वीडियो पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब चलते हैं हमारे किचन में। सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप लोबिया का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से धो लेना है और 4-5 घंटों के लिए भिगो देना है। जब भी हम कोई भी दाल वगैरह भिगोकर बनाते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती है वो बढ़ जाती है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है और साथ ही साथ आसानी से गल भी जाती है। तो आप इसे ज़रूर भिगो लीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नारियल, जो सूखा नारियल आता है दुकान से, उसे मैंने भून लिया था सीधा गैस के ऊपर चिमटे के साथ और उसके बाद में उसके पीसेस कर लिए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको काला नज़र आ रहा है। भुना हुआ जो नारियल इसमें डालेंगे उसका बहुत बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आएगा सब्जी में। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 7-8 कलियाँ लहसुन की। लहसुन भुना हुआ नहीं है, ये नॉर्मल वाला लहसुन है हमारा, हमने छील कर रखा है। और साथ में 2 छोटे प्याज, जिससे मैंने छिलके के साथ भून लिया था, और अब ऊपर का जो काला छिलका है वो निकाल लेंगे और अंदर का जो है उसे यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए भूनी है ताकि जो स्मोकी फ्लेवर है बढ़िया सा टेस्टी सा वो इस सब्जी में आए, जो टेस्ट है इसके और भी उसे 4 चांद लगने वाले इसके वजह से। अभी सारी चीज़ों का आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे बढ़िया सा पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम इसमें आलू भी यूज़ करने वाले हैं, तो एक मीडियम साइज़ का आलू, उसके 8 टुकड़े मैंने कर लिए हैं। प्याज जो भुना हुआ था वो तो यूज़ करेंगे ही हम पेस्ट के तौर पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्याज इसमें डालेंगे जिसे इस तरीके से हमें बारीक काट लेना है। यहाँ पे एक प्याज डाला है मैंने और वहाँ पे 3 छोटे छोटे प्याज यूज़ किए थे। इसी के साथ यूज़ करने वाले हैं कड़ी पत्ता, 4-5 पत्ते ले लिए हैं मैंने। लहसुन तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, रह गया अदरक। अदरक को इस तरीके से आप ग्रेट कर लीजिए, पीस लीजिए, जैसे आपको पसंद है वैसे कर लीजिए। यानी कि चीज़ें तो वही है, हमारा प्याज है, टमाटर है, लहसुन अदरक वगैरह है, लेकिन डालने का जो तरीका है वो इसमें थोड़ा सा अलग है। एक टमाटर भी ले लिया है जिसे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसका लगाएंगे बढ़िया सा तड़का। ये थोड़ी सी महाराष्ट्र स्टाइल रेसिपी है, ट्राई करके देखिए, बहुत आपको मज़ेदार लगेगी। एक पतीले में थोड़ा सा तेल गर्म करके सबसे पहले डाल दिया है हींग। हींग डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई। अगर आपको राई नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। राई को अच्छे तरीके से चटकने दीजिए और जब वो चटक जाए तो इसमें डालेंगे जीरा, और जीरा डालने के बाद डाल दिया है प्याज जो हमने बारीक काट कर रखा हुआ था। अब ये सारी चीज़ों को हम सौते कर लेंगे। क्योंकि मैं ये सब्जी खुली बनाने वाली हूँ, कुकर का नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने इस पतीले में ही डायरेक्टली तड़का लगाया है। अगर आप सीटी लगवाना चाहते हैं लोबिया को तो आप कुकर में ये तड़का लगा सकते हैं। प्याज को थोड़ी देर भूनने देंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए उतना हमें इंतज़ार करना है। पहली बार जब वो ऑयल छोड़ देता है तब हम इसमें डालेंगे हल्दी। 1/2 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा उसका टेस्ट और रंगत आएगा। हल्दी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ये कोई स्पेशल मसाला नहीं है, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और हाँ, अगर नॉर्थ इंडियन वाले ये सब्जी बना रहे हैं और नारियल वगैरह नहीं पसंद करते हैं तो आप नारियल को स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला डालने के बाद इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, काफ़ी सारी डाली है जैसे कि आपने देखा, 2 बड़े चम्मच, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं किया है। पर अगर आप हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च कम ही डालिए, 3-4 हरी मिर्चें डाल दीजिए और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। अब सबसे लास्ट में इसमें ऐड होगा टमाटर। अब इन सारे मसालों को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे बढ़िया सा। जितना अच्छा आप भूनेंगे उतने ही ज़्यादा इसके जो फ्लेवर्स हैं वो उभर कर आएंगे और ये सब्ज़ी टेस्टी बनेगी। अब जब हल्के से टमाटर नरम हो जाए, आप देख पा रहे हैं टमाटर अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं गले हैं, थोड़ा सा प्याज गला था, फिर हमारे मसाले मिक्स किए हमने, थोड़ा सा टमाटर जब गल गया तब हम इसमें डाल देंगे वो पेस्ट जिसमें भुना हुआ प्याज था, नारियल था और लहसुन था। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। मैंने तेल का बहुत कम इस्तेमाल किया है इसलिए मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर ही मैं इसे भूनने वाली हूँ ताकि मसाला ना जल जाए। अगर आप ज़्यादा तेल डालते हैं या हल्का हल्का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पे भी इसे पका सकते हैं। जब पहली बार मसाले में से तेल ऊज आउट हो जाए, यानी कि सेपरेट हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे आलू और लोबिया। अगर आप इस सब्जी में आलू नहीं पसंद करते तो ये स्किप कर सकते हैं। अगर अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, क्योंकि इससे थोड़ी सी ग्रेवी थिक भी हो जाती है, तो आलू ज़रूर डालिए। अब इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स
और एक साथ थोड़ी देर के लिए भूनेंगे लोबिया के साथ। जब भी आप इस तरीके से कोई सब्जी बनाते हैं तो जो भी दाल यानी कि चने हैं, छोले हैं, राजमा है, उसे अगर आप मसाले के साथ थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। तो ये टिप आप हमेशा याद रखिए। इनको एक साथ भूनने के बाद इस तरीके से ढक देंगे। बिल्कुल पानी नहीं डाला है फिलहाल, प्लेट के ऊपर पानी डाला है ताकि अंदर स्टीम जनरेट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। दस मिनट के बाद ढक्कन मैंने निकाल दिया है और थोड़ा सा अभी पानी डाल दिया है क्योंकि हमारे मसालों के साथ जो सब्जी थी और आलू थी बहुत बढ़िया भुन चुकी है। अब ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम बनाएंगे तो इसमें पानी डालना है। पानी कितना डालना है आप अपने स्वाद के अनुसार देख सकते हैं, आपको जिस तरीके से पसंद है। चावल के साथ खाने वाले हैं तो पतली बना लीजिए, रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी कर लीजिए। जितना पानी डालना है उतना डालकर दोबारा इसे ढक दीजिए 5-10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, दोबारा मैंने ढक्कन निकाल कर देखा है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि सब्जी गली है या नहीं। 25-30 मिनट में आराम से ये सब्जी गल जाती है, आलू भी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आप कुकर में बनाने वाले हैं तो 2-3 सीटी में ही ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी, पर क्योंकि मैंने यहाँ पे खुले ढक्कन बनाया है 2-3 बार इसे चेक करना पड़ेगा। जब हमारी मनपसंद कंसिस्टेंसी आ जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है लोबिया, तब हम इसका गैस जो है वो बंद कर सकते हैं। सबसे लास्ट में ऐड करेंगे नमक। नमक इसलिए पहले नहीं डाला था क्योंकि नमक की वजह से जो गलने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। नमक डालने के बाद ये सब्जी बिल्कुल ही रेडी है। अगर आपको ज्यादा पतली लग रही है तो थोड़ी देर और गैस पर रहने दीजिए ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो यही थी हमारी सिंपल सी रेसिपी लोबिया बनाने की। आप धनिया डालिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।